गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है। जितने भी सोशल एरिया है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब जगह क्या करना है, इस लिंक को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और किनारे आगे बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंचे। तो आज का सेशन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें वही क्वेश्चन लिया गया है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्लास 8 में, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ क्या ले जाती है, मतलब ध्वनि तरंगे गमन करते वक्त क्या ले जाती है, तो एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है। और वो क्या होता है, निगेटिव में होता है, माइनस चार्ज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। ऊर्जा ग्रहण, ऊर्जा ने सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट भाग, सूर्य का किरीट भाग। सूर्य जो होता है वो तीन लेयर का बना होता है, ठीक है ना, जिसमें उसका जो किरीट भाग है, किरीट भाग जो कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरण में सात रंग होते हैं, ठीक है। सात रंगों से बना हुआ सफेद किरण जो होता है वो सूर्य का होता है, जो कि अगर हम उसको प्रिज्म से पार कराएं, प्रिज्म की सहायता से अगर उसको पास करवाएं, तो वो सात रंगों में विभक्त होते हुए हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। चलिए दूसरा जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रेन होने के बाद, वर्षा होने के बाद सूर्य के अपोजिट दिशा में जो इंद्रधनुष उगता है, इंद्रधनुष जो निकलता है या फिर बनता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण ही किरणों के प्रकाश जो कि सूर्य के प्रकाश के सात रंगों में विभक्त होने के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है, राइट। तो इससे भी हम लोग को पता चलता है कि सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं, तो सात कलर होता है, सात रंग होता है, राइट। और उसका जो फॉर्मूला क्या है याद करने का, विबग्योर या फिर बेजानी हैप्पी नाला, राइट। इससे हम लोग बात कर लेते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश टूटता है सात रंगों में, तो वो कलर क्या क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि टंकन मशीन, ठीक ना, टाइपराइटर जो होता है का आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार क्या है, सोल्स ने, सोल्स नामक वैज्ञानिक जो कि टाइपराइटर का आविष्कार किया है, राइट। इससे क्या काम होता है, टाइपराइटर का काम क्या है, तो टाइपराइटर से कोई भी वर्ड, कोई भी लेटर, अक्षर, ये सब चीज़ क्या किया जाता है, टाइप किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एक प्रकार का टाइपराइटर बोल सकते हैं कि कीबोर्ड, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, ठीक है, लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो एक प्रकार का टाइपराइटर का काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, तो एसीटम, राइट। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हम लोग का जो दिनचर्या में जो यूज करते हैं उसमें से सिरका का स्रोत क्या है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कपड़ा में जब जंग लग जाता है तो उसको हटाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड, राइट। ऑक्जेलिक अम्ल अगर जंग लगे हुए कपड़ों में डाल दिया जाए तो वो जंग या फिर वो दाग क्या हो जाता है, हट जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, गन्ने के बीच में जो लाल कलर का जो सड़न होता है वो रोग किसके कारण होता है, तो सिंपल सा है, कवक के कारण होता है, ठीक है। चलिए एक कमेंट और करना है क्या, कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आम का वनस्पतिक नाम क्या है, ठीक है, आम का साइंटिफिक नेम क्या है, तो मैगीफेरा, मैगीफेरा इंडिका, मैगीफेरा इंडिका। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन आता है जिसे मनुष्य, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस,
मनुष्य का जो दिमाग होता है उसको किससे नापा जाता है, तो सीसी से नापा जाता है, राइट, सीसी से नापा जाता है। और सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन बोल रहा है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाले चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे। तो चिकोरी चूर्ण जो होता है, जो कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है, वो जड़ों से प्राप्त होता है, राइट, रूट से प्राप्त होता है। चलिए, रूट कितने प्रकार के होते हैं, तो रूट यानी जड़ वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक होता है टॉप और एक होता है फाइब्रस। टॉप यानी कि मूसलाधार, जैसे कि बात किया जाए मूली, गाजर, ठीक है ना, वो एक प्रकार का टॉप रूट होता है। लेकिन अगर बात किया जाए घास या फिर धान का, गेहूं का, तो ये सब हो गया आपका फाइब्रस रूट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला। अब बात कर लेते हैं विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, राइट, और इससे होता क्या है, तो मसूड़ों में, दांत में क्या होने लगता है, ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है, ठीक है, मुंह से बदबू आने लगता है। और इसका सोर्स क्या है, जितने भी खट्टे फल है, खट्टे पदार्थ है, जैसे सब्जी हो गया, खट्टी सब्जी, नींबू, ठीक है, आम, तो इस सब में क्या पाया जाता है, टमाटर, इस सब में विटामिन सी होता है, राइट। और विटामिन सी जो है एक प्रकार से बोल सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में पाई जाने वाला धातु क्या है। तो रक्त में पाई जाने वाला धातु लोहा होता है, राइट। रक्त में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, उसके अंदर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है कि लोहा होता है, राइट। और जिस वस्तु के अंदर में लोहा होता है वो वस्तु क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और इसी कारण हम लोग का हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, जिसके कारण हमारे जो खून होता है वो भी लाल कलर का होता है, राइट। तो रक्त में, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा होने के कारण, लोहा धातु होने के कारण ही रेड कलर का होता है। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम, ठीक है ना, Mg। चलिए पेड़ पौधे में मैग्नीशियम Mg जो होता है धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का एक उदाहरण क्या है, जैसे कि बहुत सारा दिया गया है, किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना, ठीक है, खाने का ब्रेड का बनना, या फिर गीले आटे का खट्टा होना, ये सब जो है किण्वन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तक के लिए लाभदायक है। तो नए उत्तक के लिए जो लाभदायक होता है वो क्या है, तो पनीर। अब पनीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, राइट। प्रोटीन एक्चुअल में करता क्या है, तो शरीर के जो कोशिका होता है या फिर उत्तक होता है, उन लोगों का निर्माण, उत्तकों का निर्माण या फिर उसका मरम्मत करना, ठीक है ना, ये प्रोटीन का कार्य। और ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो पनीर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोल रहा है निम्नलिखित में से एक उड़ने वाली छिपकली है। तो उड़ने वाले छिपकली का नाम क्या है, तो ड्रेको। क्या नाम है, ड्रेको, ड्रेको नाम का छिपकली जो कि उड़ने की क्षमता रखती है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में, जैसे कि डॉल्फिन, ठीक है, तो डॉल्फिन कौन सी कैटेगरी का एनिमल है या मछली है, उसको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। ऐसी कौन सा सांप है जो कि घोंसला बनाने का क्षमता रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, राइट। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो खुद से घोंसला बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्हेल यानी सार्क, राइट। सार्क जो है वो भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, मींस दाल में
कौन सा प्रोटीन या कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो प्रोटीन नाम का विटामिन जो है वो दाल में पाया जाता है, राइट। प्रोटीन का कार्य क्या है? तो सेल का मरम्मत करना या फिर सेल को रिप्रोड्यूस करना, इसमें सहायता देता है कौन? प्रोटीन। चलिए अब बात किया जाए प्रोटीन, तो प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कौन से अंग में होता है? शरीर के कौन से अंग में प्रोटीन का पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन शरीर के अमाशय में होता है, राइट। शरीर के अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोटीन के पाचन में ऐसी अमाशय में क्या होता है जो कि प्रोटीन का पाचन कराता है। तो अमाशय में एक होता है HCl, राइट, जो कि अम्ल होता है। एक HCl होता है, दूसरा होता है पेप्सिन एंड तीसरा होता है रेनिन नामक एंजाइम, ठीक है। HCl एक अम्ल होता है, एसिड होता है, और पेप्सिन नामक और रेनिन नामक एंजाइम होता है। HCl क्या करता है? तो HCl का काम है कि मुंह से खाए गए कीटाणुओं को या फिर बड़े बड़े टुकड़ों को, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करता है। पेप्सिन रेनिन क्या करता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और रेनिन ही करता है, ठीक है, और इसको एमिनो एसिड में चेंज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? देसी घी में ऐसी क्या होती है जिसके कारण उसमें महक आती है, सुगंध आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होता है वो लाल रंग का विक्षेपण होता है। बात किया जाए इंद्रधनुष, राइट, तो अगर नीचे से सफेद कलर सूर्य के प्रकाश आ रहा है तो वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट होकर के सात रंगों में बांट जाता है, राइट, सात रंगों में बांट जाता है। अगर बात किया जाए तो ऊपर में वी होता है, ठीक है ना, यहाँ से विभजोर, अगर यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट का अगर एंगल देखा जाए नीचे से, तो नीचे से वी से ज़्यादा होता है आर, इसीलिए बोला जाता है आर का जो विक्षेपण जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर कलर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोडा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे एल बेयर्ड ने टेलीविजन की आविष्कार किया था, राइट। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि कौन सा ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर ने किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो होता है वो चमकता है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन जो कि अभिलंब होता है, और आने वाली किरण और जाने वाली किरण, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों किसी सरफेस के कोई एक बिंदु पर स्थित होती है। ये प्रकाश का परावर्तन का नियम है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है कि वो क्या होता है कि इसमें दो मीडियम होता है, एक होता है रेयर होता है, एक होता है डेंसर, सघन और विरल। और क्या होता है कि आने वाली किरण या फिर अभिलंब से दूर होता है या फिर अभिलंब की ओर झुक जाता है, यानी कि ये अपने पथ से विचलित हो जाता है, राइट। तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन का नियम। लेकिन पूर्ण परावर्तन का नियम क्या है कि अगर बात किया जाए प्रकाश का अपवर्तन में ही अगर इस तरह होता है, अगर हम इस किरण को, ठीक है, आपतित किरण को क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे की ओर लेते आएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। और एक ऐसा कंडीशन होगा कि दो मीडियम में ना रह करके प्रकाश जो है वो एक ही मीडियम में आएगा और एक ही मीडियम में जाएगा, लेकिन ये प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होगा, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में कोई दो मीडियम होगा, बस इसी को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट। अब ये किस में होता है, तो ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा यूज होता है कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने में, ठीक है, सिग्नल को जैसे कि कोई डिस्क हो गया, टाटा स्काई जैसे कि हो गया, कोई रेज हो गया,
तो इस सब चीज़ को क्या करता है, पाइप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करता, और इसी के कारण हीरा जो है वो चमकता है, टूटा हुआ कांच भी इसी के कारण चमकता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, गोबर गैस। गोबर गैस में मुख्यतः पाया जाता है, तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 मीथेन का फॉर्मूला है। किससे, तो गोबर के सड़ने या गलने से, या फिर प्राकृतिक जो भी घास है, पेड़ पौधा है, ठीक है ना, इसके सड़ने या गलने से मीथेन गैस का निर्माण होता है। मिथेन गैस को, मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 23, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है कि उसमें कितना परसेंट मिल्क है एंड कितना परसेंट उसमें वाटर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु तत्व कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व एल्यूमिनियम है, लेकिन वही अगर बात किया जाए गैस का, तो उसमें हो जाएगा ऑक्सीजन, राइट, भूपट्टी में। लेकिन वातावरण में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर मोती। क्वेश्चन क्या है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, राइट। चलिए अब आप लोगों को कमेंट करना है, जितने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला जाए उतना कमेंट करना, राइट, ताकि इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन की जानकारी है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनता है, या फिर उसका नंबर पिन कीजिएगा, या फिर उसको सर्च करके उससे जानकारी प्राप्त करना है, राइट। चलिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका परसेंटेज कमेंट करना है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच के लिए कार्य करता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथीलियम उत्तक। एपिथीलियम उत्तक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था। तो कुत्ता, और आज तक कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो कि सबसे ज़्यादा वफादार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघलाया था, ठीक है। तो देवी नाम का वैज्ञानिक जो कि सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघलाया था, राइट। चलिए इन लोग का एक्सपेरिमेंट अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो सबसे अधिक तीव्रता का बात किया जाए तो बाघ है, लेकिन वही पिच का बात किया जाए तो पिच अलग होता है, ठीक है। पिच यानी कि तारत्व, अगर बात किया जाए मनुष्य में, तो मनुष्य में तारत्व पिच जो होता है वो गर्ल्स का सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉय, ठीक है। चलिए तो तीव्रता सबसे अधिक जो होता है वो बाघ का होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण क्या होता है, थका होता। तो इसका राइट आंसर होता है क्या, लैक्टिक एसिड। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो टेन जो मसल्स होता है, राइट, जो मसल्स होता है वो क्या होता है कि आपस में रगड़ाता है, और यही रगड़ाने के कारण, घिसने के कारण, ठीक है ना, क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। कहाँ पे, हमारे बॉडी के मसल्स में, कोशिकाओं में,
ठीक है। और इसी लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने के कारण राइट थका महसूस होने लगता है। और इसी को हटाने के लिए क्या होता है कि कोशिकाओं में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, उसमें एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट राइट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या काम करता है, ये ऊर्जा का एक बोल सकते हैं पोटली बोल सकते हैं या फिर ऊर्जा के एक रूप बोल सकते हैं, ये क्या करता है लैक्टिक एसिड को हटाने में काम करता है। और एटीपी जो होता है वो एडीपी में चेंज होता है, एटीपी जो होता है वो एडीपी में चेंज हो जाता है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है राइट। और लैक्टिक एसिड को क्या करता है ब्लड से, ब्लड के द्वारा निकाल करके और फिर किडनी के द्वारा उसको फिल्टर किया जाता है राइट। चलिए, और इस तरह हम लोगों का थकावट जो होता है, जब हम लोग रेस्ट करते हैं आराम करते हैं तो फिर हम लोग का थकावट दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्ट्रिक नामक अम्ल पाया जाता है राइट। आप लोगों को ये कमेंट करना है कि टमाटर टोमेटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है राइट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि अम्ल उसी फल में सब्जी में पाया जाता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है राइट। क्षार जो कि स्वाद में कड़वा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है राइट। जितने भी खट्टा फल सब्जी सब में क्या होता है कि अम्ल पाया जाता है राइट। लेकिन बात किया जाए कि HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कहाँ पर पाया जाता है, तो अभी बोले अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में क्या क्या पाया जाता है, तो एक HCl होता है, एक रेनिन होता है, एक पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो HCl जो होता है जिसका pH वैल्यू pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू क्या होता है जीरो होता है राइट, यानी कि जिसका pH वैल्यू जीरो होता है मतलब pH वैल्यू जिसका सबसे कम होता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है, वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। तो HCl जो होता है जो कि हमारे पेट के अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड होता है, वो एक प्रकार से ज़्यादा सबसे ज़्यादा एसिड होता है कंपेयर टू क्या बैटरी का जो पानी होता है, यानी कि बात किया जाए H2SO4 कुछ इस तरह का जो एसिड जो कि हम लोग नॉर्मल दुकानों में तेजाब के नाम से जानते हैं उससे भी खतरनाक होता है जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है। क्या HCl कितना होता है pH वैल्यू जीरो होता है राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑर्गेनोलॉजी राइट ऑर्गेनोलॉजी। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोले थे कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और कमेंट करना है कि फंगस ठीक है ना फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या फिर बात किया जाए हाँ फंगस या फंगी ही बोला जाता है कवक को। चलिए तो फंगल इन्फेक्शन या फिर कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तांत्रिका कोशिका होता है न्यूरॉन ठीक है। न्यूरॉन का फिगर अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरह करके होता है राइट, डेंड्राइट्स होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है मैसेंजर मैसेज को दिमाग तक पहुँचाना राइट, मैसेज को दिमाग तक पहुँचाना। जैसे कि बात किया जाए हम लोग घर में चाय बनाते हैं, तो जब चाय बनाते हैं तो केतली जो होता है वो हीट हो जाता है राइट चाय बनाते वक्त, और जैसे ही हमारे जो हाथ उस केतली में लगता है अचानक से हमारे हाथ क्या होता है हट जाता है उसे, तो ये कैसे हम लोग को कैसे पता चला कि केतली गर्म है तो हम लोग का जो हाथ है वहाँ से हटा लेना चाहिए, तो इसी सेंस के द्वारा हम लोग पता करते हैं। तो यही सेंस जो है वो तंत्रिका जो कोशिका है वो हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका मिल करके तंत्र का निर्माण किया गया है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, वो क्या करता है इस मैसेज को तुरंत क्षण भर में क्या करता है हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, फिर हमारा दिमाग क्या करता है कि कमांड करता है कि नहीं
हमको क्या करना चाहिए, हाथ को वहाँ से हटा लेना चाहिए, राइट। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए, जब हम लोग क्या करते हैं, वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, राइट, तो क्या होता है कि दारू जब भी हम लोग पीते हैं तो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, राइट। और इसी टाइम जब हम लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमारे दिमाग तो सही काम करता है, दिमाग तो सही काम करता है, दिमाग तो ये बोलता है कि हाँ अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, अब हमें ब्रेक मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे ट्रैफिक है या फिर आगे मनुष्य है, जानवर है। तो जैसे मनुष्य जानवर दिमाग देखता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, दिमाग ये कमांड देता है कि नहीं अब आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक लगाना चाहिए। बट क्या करता है कि नर्वस सिस्टम इतना ज़्यादा स्लो काम करता है कि मैसेज को आने जाने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और तब तक क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। तो ये है तंत्रिका तंत्र या फिर तंत्रिका कोशिका का कार्य, जो कि सेंस के द्वारा काम करता है, राइट। और सबसे लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट काम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो दांत जो होता है मुख्य रूप से डेंटाइन का बना होता है। और दांत के डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, राइट। चलिए डेंटिस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किस जंतु की आकृति पेड़ के चप्पल के समान होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम जंतु जो होता है वो चप्पल की तरह होता है, कुछ इस तरह होता है, और इसमें बहुत सारे पोर्स लगे होते हैं, राइट, पोर्स लगे होते हैं। चलिए तो ये एक पैरामीशियम का आकृति है जो कि एक चप्पल की तरह होता है। चलिए केचुए की कितनी आँख होती है, तो एक फैक्ट की बात यह है कि केचुए में कोई आँख नहीं होता, वो सेंस के द्वारा क्या होता है, जाता है और आता है। एक्चुअली केचुए जो होता है वो फोटोसिंथेसिस, जैसे प्रकाश होता है, वो प्रकाश की तरह ना जा करके वो अंधेला की तरह भागता है, ठीक है। केचुआ हमेशा अंधेला की तरह भागता है, राइट, अंधेला की तरह जाता है, वो प्रकाश की ओर नहीं जाता है। चलिए, और उसके पास एक भी आँख नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर में किस विटामिन का समृद्ध होता है। तो गाजर में विटामिन ई होता, ए होता है, राइट। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है, जो कि आँख के लिए होता है, ठीक है, आँख के लिए होता है, यानी कि अंधापन होता है इसकी कमी से, राइट। या फिर बात कर सकते हैं दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष जिसको बोल सकते हैं, और भी होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोल सकते हैं, ठीक है ना, रात के टाइम दिखाई नहीं देता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका जो है स्रोत है गाजर, राइट। चलिए गाजर का बात, एक जो होता है सोयाबीन जो बड़ी होता है, राइट, उसमें भी प्रोटीन होता है, विटामिन ई भी, ए भी होता है। एग होता है वाइट एग, इसमें भी विटामिन ए होता है, ठीक है। और मछली का जो तेल होता है, यकृत का तेल, उसमें भी विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है। और बात किया जाए अगर पालक, ठीक है, और हरी सब्जी सब वगैरह में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ई का ए का मेन वर्क क्या है, आइस का प्रोटेक्शन करना, आँख का जो कमी है आइस में होने वाली जितने भी कमी है उसको भरपूर करना, ये विटामिन ए का मेन वर्क है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाए जाते। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाए जाते, तो बात कर लेते हैं चावल में क्या पाया जाता है। तो चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, राइट। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में पाचन कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है हमारे शरीर के मुंह में ही होता है, यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। कहाँ पर? हमारे मुँह में स्लाइवा पाया जाता है, लार पाया जाता है, राइट। और लार में क्या पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, तो जो भी खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो भी होता है जहाँ भी होता है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टार्च के रूप में पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में पाचन करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है,
तो मुंह में होता है, ठीक है ना, मुंह में सलाइवा में ही हो जाता है, राइट। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, तेलीय तेलीय पदार्थ या फिर वसा का पाचन जो होता है वो हमारे शरीर के छोटी आंत में पाए जाते हैं, राइट। और एक फैक्ट के बाद क्या है कि छोटी आंत में जो उंगली जैसे प्रबद्ध होता है, राइट, छोटी आंत में उंगली जैसे प्रबद्ध होते हैं जो कि सतह क्षेत्र को बढ़ाता है, राइट। छोटी आंत में उंगली से प्रबद्ध होता है जिसको बोला जाता है दीर्घरोम, राइट, दीर्घरोम होता है। और दीर्घरोम का क्या कार्य है कि सतह सरफेस जो सरफेस को सतही सरफेस को बढ़ाता है, और जब सतह सरफेस बढ़ेगा तो अवशोषण की जो टाइम होगा वो ज़्यादा होता है, राइट। अवशोषण का समय ज़्यादा लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण होगा, यानी कि जितने भी हम लोग खाना खाएंगे मैक्सिमम विटामिन मिनरल्स का अवशोषण होगा, राइट, ये दीर्घरोम के कारण ही होता है। चलिए, और दीर्घरोम से ही क्या होता है कि जितना भी मिनरल्स होता है वो हमारे ब्लड में मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो लगभग 1350 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छे लगे तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, थैंक यू।